दोस्तों, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और आपके चैनल पे अभी तक कम्युनिटी टैब नहीं मिला है, यानी क्रिएट ए पोस्ट वाला फीचर इनेबल नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कम्युनिटी टैब वाला जो अपडेट है, जो फीचर है, अब आपको 0 सब्सक्राइबर्स पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी टैब आपके चैनल पे अगर 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो भी आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाएगा, और लोगों के चैनल पे मिल भी रहा है कम्युनिटी टैब 0 सब्सक्राइबर्स पे। मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब इनेबल हो जाता है तो आप कम्युनिटी टैब में पोस्ट वगैरह डालते हैं, पोल डालते हैं, इमेज पोल डालते हैं, जिससे कि आपका चैनल तेजी से ग्रो होता है। लेकिन यह अपडेट जो कम्युनिटी टैब है ना, कितने सब्सक्राइबर्स पे मिलता था लोगों को? 500 सब्सक्राइबर्स पे। यानी दोस्तों, आपके चैनल पे जब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते थे तो आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब वाला फीचर इनेबल कर दिया जाता था YouTube की तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स, YouTube का एक अपडेट आ गया है, और YouTube ने हालांकि इसके बारे में पूरा खुल के खुलासा नहीं किया है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि YouTube ने इस एलिजिबिलिटी को हटा दिया, यानी 500 सब्सक्राइबर्स वाली एलिजिबिलिटी को हटा दिया है। अब आपके चैनल पे अगर 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो भी कम्युनिटी टैब मिलेगा, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को तो कम्युनिटी टैब मिल भी गया है। किसी के चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स है, उसको मिल गया है। किसी के चैनल पे 200 सब्सक्राइबर्स थे, उसको मिल गया। किसी के चैनल पे 10 सब्सक्राइबर्स हैं, उसको मिल गया है। किसी के चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स हैं, उसको भी कम्युनिटी टैब मिल गया है, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कुछ चैनल के कि कम्युनिटी टैब बिना 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए कैसे लोगों को मिल रहा है, कैसे 0 सब्सक्राइबर्स में कम्युनिटी टैब मिल रहा है। और अगर आपको अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब को इनेबल करना है, आपको नहीं मिला है, तो आप क्या काम करेंगे कि आपके चैनल पे भी कम्युनिटी टैब वाला फीचर्स ना 0 सब्सक्राइबर्स पे या 10, 20, 50 सब्सक्राइबर्स पे जल्द से जल्द इनेबल हो जाए, आपको कम्युनिटी टैब मिल जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और दोस्तों यहाँ पे आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, YouTube ऐप को ओपन कर लेता हूँ। YouTube ऐप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, मैं सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, और कुछ भाई ने मेरे वीडियो में कमेंट के बॉक्स में रिप्लाई दिया था कि सर, मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए, मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया, मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए और आपको इन्फॉर्म किया जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, चैनल का नाम है क्रेजी अजहर ब्लॉग, ठीक है। इन भाई के चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं देखिए आप, 333 सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं इनके चैनल के कम्युनिटी टैब में जाता हूं। देखिए, इनको कम्युनिटी टैब सक्सेसफुली मिल चुका है, और इन भाई ने 8-9 घंटा पहले यहां पे कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाला है, पोल भी डाला है, ठीक है। इनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 333। चलो माना कि 333 सब्सक्राइबर्स पे कम्युनिटी टैब मिल गया होगा, क्या 8-10 सब्सक्राइबर्स पे कम्युनिटी टैब मिल रहा है कि नहीं, ये भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक भाई ने और मैसेज किया, चैनल का नाम है अमोंग फैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भाई के चैनल पे मैं ओके कर लेता हूँ, और भाई का चैनल है अमोंग फैक्ट, और देखिए इनके चैनल पे 10 सब्सक्राइबर्स हैं, 13 वीडियो इन्होंने डाली है, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इनको भी कम्युनिटी वाला फीचर जो है ना, कम्युनिटी टैब वाला मिल गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपने कम्युनिटी टैब में पोल भी डाला हुआ है, टेस्ट पोल। तो दोस्तों आपने देख लिया, 300 सब्सक्राइबर्स में मिल गया, 10 सब्सक्राइबर्स में मिल गया, क्या यह कम्युनिटी टैब 0 सब्सक्राइबर्स पे लोगों को मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, 0 सब्सक्राइबर्स पे भी लोगों को कम्युनिटी टैब मिल रहा है, और मैं इसका भी प्रूफ आपको दिखा दूं। इसका प्रूफ किसी और चैनल का नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अपना प्रूफ दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरा एकदम बिलीव हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखिए, मेरे चैनल का लोगो देखने को मिल रहा है, और आपको बता दूं कि यह मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल तो टेक होम आर्या है, या मेरा एक मैंने ईमेल आईडी बनाई थी कुछ दिन पहले, और उस ईमेल आईडी से मैंने एक चैनल जस्ट ऐसे ही डम्मी के रूप में बना दिया था, एग्जाम्पल के रूप में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैनल की आईडी पे क्लिक करके मैं योर चैनल पे आ जाता हूँ। योर चैनल पे आने के बाद दोस्तों देखिए, मैंने चैनल का नाम क्या रखा था, लोकेशन ब्लॉग्स, और इस चैनल पे मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली है, सिर्फ कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली, जब फर्स्ट ब्लॉग का ट्रेंड चला था तो मैंने एक वीडियो डाली है, और देखिए वीडियो कितनी है, एक, और यहाँ पे 9 सब्सक्राइबर्स, यानी 0 सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, कम्युनिटी यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिटी टैब वाला फीचर्स मुझे मिल गया है, मेरे चैनल पे इनेबल हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पे भी इनेबल हो गया होगा तो यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में भी देखें, यहाँ पे क्रिएट ए पोस्ट का फीचर्स आपको मिल गया होगा। सो दोस्तों, आप भी जाइए कम्युनिटी टैब वाले फीचर्स को एंजॉय करिए, अपना पोस्ट वगैरह डालिए और अपने चैनल को तेजी से ग्रो करिए। अब दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करते हैं ना, कि अगर आपके चैनल पे 10 सब्सक्राइबर्स हैं, 150, 200 हैं, या 0 सब्सक्राइबर्स हैं, और आपके चैनल पे अभी तक कम्युनिटी टैब आपको नहीं मिला है, सो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे कि आपको भी कम्युनिटी टैब आपके चैनल पे जल्द से जल्द मिल जाए? अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, बिना वीडियो को स्किप किए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube ऐप ओपन कर लेना है, और आपको अपने चैनल से यहाँ पे YouTube ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऊपर में राइट साइड में आपको अपने चैनल का लोगो देखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे में देखिए आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है हेल्प एंड फीडबैक,
तो हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है सेंड फीडबैक, तो सेंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ फीडबैक डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेट स्टार्टेड बोलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्लिक कर दिया आपने, अब यहाँ पे आपको एक यूट्यूब को फीडबैक डालना है, एक तरीके से एक लेटर लिखना छोटा सा दो तीन लाइन का। क्या लिखना है मैंने पहले से लिख रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं आपको पहले पढ़ के बता दे रहा हूँ, और यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इसको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके कॉपी कर लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है मैंने यूट्यूब चैनल्स आर गेटिंग 0 सब्सक्राइबर्स एंड 8 to 10 सब्सक्राइबर्स अ कम्युनिटी टैब, प्लीज इनेबल कम्युनिटी टैब ऑन माई यूट्यूब चैनल एज सुन एज पॉसिबल। इसका मतलब दोस्तों यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल पे 8 से 10 सब्सक्राइबर्स पे और 0 सब्सक्राइबर्स पे कम्युनिटी टैब मिल गया है, लोगों को इनेबल हो गया है, तो प्लीज मेरे भी यूट्यूब के चैनल पे कम्युनिटी टैब के फीचर्स को इनेबल करें, यानी क्रिएटिव पोस्ट के फीचर्स को इनेबल करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में देखिए सेंड एरो का बटन आपको देखने को मिला है, सिंपली आपको इस पे क्या करना है सेंड कर देना है। जैसे दोस्तों ये सेंड करेंगे ना और यहाँ पे आपको बोलेगा जो भी कि कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी फीडबैक वगैरह मांगे तो फीडबैक वगैरह दे देना, और ये जो आपका जो फीडबैक है ना यूट्यूब के पास सेंड हो गया है, चला जाएगा। सो फ्रेंड्स जब ये यूट्यूब टीम आपके चैनल को चेक करेगा तो जल्द जल्द आपके चैनल पे भी कम्युनिटी टैब वाला फीचर्स को इनेबल कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब के चैनल पे बिना 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए कम्युनिटी टैब के फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, यानी 0 सब्सक्राइबर्स पे कम्युनिटी टैब के फीचर्स को अपने यूट्यूब चैनल पे इनेबल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अपडेट अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको कम्युनिटी टैब मिल गया है मेरी वीडियो में भी कमेंट करके बताएं कि कितने सब्सक्राइबर्स पे आपको कम्युनिटी टैब मिला है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।